हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं ऑस्टियोसार्कोमा जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर नीट एमडीएस और यहां से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं सो लेट स्टार्ट ऑस्टियो को बोलते हैं ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा भी ओके okay? ये याद रखेंगे इसका दूसरा नाम हमेशा याद रखेंगे गाइज ये एम सी क्यूज में पूछा जाता है तो ऑस्ट्रो सार्कोमा को ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा भी बोलते हैं सो डोंट गेट कन्फ्यूज ओके एम सी क्यू पूछा जाता है यहाँ से दिस इज दर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन दी एडोलेसेंस वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू सो so, ये थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है एडोलेसेंस का ये पूछा जाता है एम में फर्स्ट देगा फर्स्ट मोस्ट देगा सेकेंड मोस्ट या थर्ड मोस्ट या फोर्थ मोस्ट तो आपको ऐसे याद रखना है कि थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन एडोलेसेंस होता है ओके एम सी क्यू अराइज फ्रॉम अ प्रिमिटिव मेजन कैमल बोन फॉर्मिंग सेल्स ये याद रखना है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है इज फ्रॉम अ प्रमेटिव मिजन कैमल बोन फॉर्मिंग सेल्स से ये आया है ओके कैरेक्टराइज बाई प्रोडक्शन ऑफ ऑस्टिड ये ऑस्टिड बनाता है ओके okay? जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसमें कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ होता है उसे ऑस्टिइड बोलते हैं तो इसमें प्रोडक्शन होता है ऑस्टिइड का नाउ अगर क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो अकर इन एनी बोन ये किसी भी बोन में हो सकता है ऑस्ट्रोसार्कोमा ओके okay, बट ये मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करता है लॉन्ग बोन्स में ऑफ दी एक्सट्रीमिटीज नियर मेटाफाइसियल ग्रोथ प्लेट ये याद रखना है ओके okay, जो हमारे बोन होते हैं उसमें डाइफाइसिस होता है मेटाफाइसिस होता है एपिफाइसिस होता है तो ये मेटाफाइसिस को ज़्यादा सपोज दिस इज योर लॉन्ग बोन ओके ये लॉन्ग बोन है जो एक्सट्रीमिटीज होता है उसे एपिफाइसिस बोलते हैं बीच का मेटाफाइसिस और ये जो लॉन्ग होता है वो डाइफाइसिस होता है तो याद रखना है ये जो मेटाफाइसिस है इसको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये चीज याद रखना है एमसीक्यू ओके मोस्ट कॉमन साइट्स आर फीमर टीबिया ह्यूमरस इन सबको ज़्यादा इफेक्ट करता है बिकॉज ये लॉन्ग बोन्स है इसको ज़्यादा इफेक्ट करता है और ये स्कल जॉब बोन्स और पेल्विस को भी इफेक्ट करता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग uh, बोन्स को इफेक्ट करेगा ये कोई भी बोन को इफेक्ट कर सकता है पर मोस्टली लॉन्ग बोन्स को करता है हायर इन मेल्स देन इन फीमेल्स मेल्स में ज़्यादा इफेक्ट करता है ये एंड यंग पर्सन बिटवीन टेन टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स विद डिक्रीज इंसिडेंट एज द एज एडवांसेज जो इंडिविजुअल्स टेन टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स के होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है एंड ये एज के साथ कम होता है जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका इंसिडेंस डिक्रीज होगा ओके इसमें रैपिड बोन ग्रोथ होता है ये देखा गया है इसमें देन एक्सपोजर टू रेडिएशन इज द ओनली नॉन एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर ऐसा माना गया है कि जो जो इंडिविजुअल्स रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे हैं उनमें ये ज़्यादा देखा गया है ये जेनेटिक प्रिडिसन भी देखा गया है पेरेंट्स टू चाइल्ड में आता है इसमें क्या होता है डिलीशन ऑफ क्रोमोजोम थर्टीन क्यू वन फोर क्रोमोजोम जो होता है उसका डिलीशन होने की वजह से इनएक्टिवेटिंग दी रेटिनोब्लास्ट जीन जो ये रेटिनोब्लास्टोमा जीन होता है उनका इनएक्टिवेशन हो जाता है जिसकी वजह से लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा एंड इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलरली हाई रिस्क ऑफ ऑस्ट्रोसारकोमा टू डेवलप जिसकी वजह से ऑस्ट्रोसार्कोमा के रिस्क बढ़ जाते हैं इसमें क्या होता है बोन डिस्प्लेसिया होता है जितने भी बोन डिसप्लेसियाज होते हैं ना उनमें भी उनकी वजह से भी हो सकता है जैसे बोन डिसप्लेसियाज़ में जैसे पेजेट डिजीज हो गया फाइब्रस डिस्प्लेसिया एनकॉन्ड्रोमेटोसिस हेरिडिट्री मल्टीपल एग्जॉस्टोसिस ये सारे क्या करते हैं रिस्क बढ़ाते हैं ऑस्ट्रोसार्कोमा मतलब ये सारे एक आप मान सकते हैं एक फैक्टर की तरह काम करते हैं ऑस्ट्रोसारकोमा को बढ़ाने के लिए अगर जितने भी फोन बोन डिसप्लेसिया है जैसे पेजेट डिजीज हो गया फाइब्रस डिस्प्लेस या एंडोक्रोमेटोसिस हेरिडेटरी मल्टीपल एक्सोस्टोसिस ये सारे ऑस्टोसार्कोमा के रिस्क को बढ़ाते हैं एक होता है ली फ्रोमनी सिंड्रोम जिसमें जीन टी पी म्यूटेशन होता है इज़ अ प्री प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर ऑस्टोसार्कोमा ये भी देखा गया है तो याद रखना है एम में पूछ लिया जाता है कभी कभी रोथमुंड-थॉमसन सिंड्रोम इसमें भी देखा गया है रोम रोथमुंड-थॉमसन रौ, रौ, सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव एसोसिएशन ऑफ कॉन्जेनाइटल बोन डिफेक्ट होता है हेयर एंड स्किन डिस्प्लेसिया इसमें होता है हाइपोगोनाडिज्म और कैटेक्ट होता है इसमें तो ये भी चांस को इसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑस्ट्रोसार्कोमा के ऑस्ट्रोसार्कोमा में स्वेलिंग देखा गया है और पेन इन्वॉल्विंग बोन जिस बोन में होगा उसमें स्वेलिंग और पेन पक्का होगा ओके स्प्रेनज होता है अर्थराइटिस की कंडीशन आती है सो कॉल्ड ग्रोइंग पेन बोलते हैं जिसको तो ये सब भी देखा गया है ऑस्ट्रोसार्कोमा में इसमें सिस्टमिक सिम्टम्स जैसे कि फीवर आ जाता है नाइट स्वेट होता है पेशेंट को पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा या फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स जैसे ऑस्ट्रोसारकोमा है तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स भी हो सकता है अगर किसी को कहीं ट्रॉमा लगा हो बोन में तो वहाँ भी ऑस्ट्रोसारकोमा ग्रो हो सकता है ओके इसमें रीजनल लिम्फेडिनोपैथी देखा गया है लिम्फ नोट्स का एनलार्जमेंट देखा गया है अगर ओरल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो स्वेलिंग ऑफ द इन्वॉल्व एरिया जैसे हमने देखा जिस बोन में अफेक्ट करेगा वहाँ पे स्वेलिंग करेगा ही करेगा फेशियल डिफॉर्मिटीज़ एंड पेन क्योंकि ये ओवर ग्रोथ होगा तो फेस जो होगा इरेगुलर होगा शेप सिमेट्री नहीं होगा उसका इसलिए फेशियल डिफॉर्मिटी होगा पेन होगा लूजनिंग ऑफ टीथ टीथ लूज हो जाएंगे पैरस्थीसिया होगा टूथ एक होगा ब्लीडिंग होगा नेसल ऑबस्ट्रक्शनज होंगे ये सारे चीज़ें देखे गए हैं मैडिबुलर ट्यूमर आर मोर कॉमन मैंडिबुल्स को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है इसलिए मैंडबल ट्यूमर्स कॉमन है मोर अकर्स इन मेल्स में ज्यादा देखा गया है और जो बोन अफेक्टेड बाय पेजेट डिजीज एंड सब्जेक्टेड टू थेराप्यूटिक एक्सरे रेडिएशन से जो जो गुजरते हैं में अंडरगो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो जिनमें पेजेट डिजीज होता है या फिर जो रेडिएशन से जा चुके हैं गुजर चुके हैं उनमें ये ज्यादा चांसेस होता है मैलिग्नेंट सी के होने के ओके इसमें एक होता है पर ऑस्टियल जिसको कॉर्टिकल ऑस्ट्रोसार्कोमा बोलते हैं और एक पेरी ऑस्टल सार्कोमा होता है ओके ये दो याद रखना है डिफरेंस पर ऑस्टियल और पेरी ऑस्टियल याद रखना है पर ऑस्टियल को कॉर्टिकल ऑस्ट्रोसार्कोमा भी बोला जाता है देखते हैं इसमें क्या होता है अकर्स इन मैनी बोन्स जो पर ऑस्टियल होता है वो मेनी बोन्स में पाया जाता है स्लो ग्रोथ होता है इसका एंड गुड प्रोग्नोस जो पर ऑस्टियल है ये याद रखना है ये स्लो ग्रोथ है

सो रेडियो लूसेंट एरिया सीन इन द इनवॉल्ड एरिया जो बोन को करेगा वहाँ रेडियो लुसेंसी आपको दिखेगी ओके इसमें मिक्सड लूसेंट डेंस लीजन दिखेगा रेडियोलुसेंसी भी दिखेगा रेडियो डेंसिटी भी दिखेगा इंडिकेट्स एन इंटरमीडिएट डिग्री ऑफ ट्यूमर बोन फॉर्मेशन बिकॉज ये ऐसा क्यों दिखता है क्योंकि कहीं बोन फॉर्मेशन भी हो रहा है और कहीं डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है रिजॉर्पन भी हो रहा है इसी वजह से रेडियोलूसेंट रेडियो ओपेसिटी दोनों दिखेगा तो ये क्यूमुलस क्लाउड डेंसिटीज के फॉर्म में दिखेगा अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो कहीं रेडियो डेंसिटी दिखेगा कहीं रेडियो लुसेंसी दिखेगा कहीं रेडियो डेंसिटी तो कहीं रेडियो लुसेंसी तो ये एक लाइक कैसा पैटर्न का दिखता है क्यूमुलस क्लाउड डेंसिटीज जो होता है क्लाउड जैसा दिखता है वैसा दिखेगा ये इसका थ्री फीचर्स होता है ऑस्ट्रोसार्कोमा का वेरी इंपॉर्टेंट का ये यहाँ ध्यान देना है पहला सन रे और सन बर्स्ट पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट तो ये जहां भी दिखे आपको सन रे और सन बर्स्ट पैटर्न तो याद रखना तो होगा ओके okay. ये क्या ऐसा होता है इसमें स्मॉल स्ट्रीक्स ऑफ बोन रेडिएट आउटवर्ड्स ओके अब ये देख सकते हैं ये ये फिगर देखिए आप दिस इज योर सन बर्स्ट अपियरेंस जहां पे ये जो रेडियो डेंसिटी ये जो फ्लेक्स देख रहे हैं आप ये जो फ्लेक्स ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो ये सन बर्स्ट अपियरेंस बोलते हैं इसको क्योंकि स्मॉल स्ट्रीक्स ऑफ बोन रेडिएट होता है बाहर की तरफ इसलिए इसको बोलते हैं समझ गए ओके ट्यूमर में ग्रो विद इन दी स्पेस कॉजिंग रिजॉर्ब ऑफ एडजेसेंट बोन रिजल्टिंग इन यूनिफॉर्म वाइडनिंग ऑफ द स्पेस यहाँ पे वाइडनिंग ऑफ द स्पेस दूसरा पॉइंट याद रखना है पहला पॉइंट हो गया था सनरे अपीयरेंस दूसरा पॉइंट वाइडनिंग ऑफ द स्पेस ये याद रखना है क्यों क्योंकि ट्यूमर में ग्रो विद इन दी मेम्ब्रेन स्पेस जो मेम्ब्रेन स्पेस होता है वहां होता है जिसकी वजह से वो रिजॉर्शन कर देता है बगल वाले बोन का और जो स्पेस बच जाता है ऑफ स्पेस आता है जो और बोन के बीच में तो वो ही बोलते हैं वाइडिंग ऑफ स्पेस हो रहा है वहां पे अब तीसरा पॉइंट है कॉडमन स्ट्रेंगल वेरी इंपॉर्टेंट तो कॉडमन स्ट्रेंगल क्या होता है देखेंगे

याद रखेंगे वही मैंने बोला था, bone और periosteum के बीच में acute angle बनेगा, 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो कॉर्डनस्ट एंगल कहलाएगा अगर हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की अगर बात करेंगे तो इसमें वाइट टेन येलो इन कलर एंड फॉर्म इन कंसिस्टेंसी देखा गया है इसमें जो कॉन्ड्रो एलिमेंट्स होते हैं appears एज ट्रांसलूसेंट lobules की तरह आपको दिखेंगे दिखेगा इसमें देखा गया है नेक्रोसिस है ये सब हिस्टोलॉजिकल फीचर्स याद रखेंगे आप ये देख सकते हैं जो ये सेल्स हैं ओके okay? ये ट्यूमर सेल्स होते हैं विद वेरिड मॉर्फोलॉजी प्लेमॉर्फिजम और हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस वेरी डार्क होते हैं इसलिए हाइपरक्रोमैटिक है और ये इसके शेप एंड साइज़ वेरीज करते हैं इसनोफिलिक और होमोजीनस और ग्लासी अपियरेंस लेस लाइक मटेरियल ऑस्टियोइड बोलते हैं ये जो दिख रहा है आपको सेल्स के बिटवीन में ऑस्टिइयड है जिसमें कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है ओके okay, इसमें ट्यूमर जॉइंट सेल्स ये जॉइंट सेल्स हैं इसमें नेक्रोसिस और हेमरेज ये जो एरिया है ये नेक्रोज है हेमरेजिक है ओके okay? और और अटिपिकल माइटोसिस होता है सेल डिवीजन बहुत सारे होते हैं इसमें याद रखेंगे इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ बोल अटिपिकल ऑस्टियोब्लास्ट एंड देयर डिफ्रेंशिएटेड प्रिकर्सर्स याद रखना है प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोइड फॉर्म्ड बाय मेलिग्नेंट ऑस्टियोब्लास्ट इन दीजन इवन एट साइड डिस्टेंट फ्रॉम दी बोन ये लंग्स में भी होता है बोन्स के अलावा लंग्स में भी अफेक्ट कर देता है स्ट्रोमल सेल्स जो होते हैं मे बी स्पिंडल शेप के होते हैं और अटिपिकल विद ई रेगुलर शेप्ड न्यूक्लिया जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको इसमें भी तीन वराइटी होता है एक कन्वेंशनल टाइप एक ऑस्ट्रो प्लास्टिक टाइप एक फाइब्रोप्लास्टिक टाइप जो कन्वेंशनल होता है नॉर्मल जो हमने देखा अभी मोस्ट कॉमन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसन में पाया जाता है और जो ऑस्टियोब्लास्टिक टाइप होता है वो अटिपिकल होता है जिसमें साइज शेप वेरिएशन होते हैं शो लार्ज और डीपली स्टेन्ड न्यूक्लियर होता है अरेंज इन अ डिसऑर्डरली फैशन अबाउट ट्रबैक्यूले ऑफ द बोन के चारों ओर डिसऑर्डरली फैशन में ये होगा फाइब्रोब्लास्टिक टाइप जो होता है इसमें प्रोलिफ्रेशन ऑफ अनअप्लास्टिक फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिप्रेशन अफकोर्स ये बात है नेम सजेस्ट कर रहा है फाइब्रोब्लास्टिक टाइप तो फाइब्रोब्लास्ट का ही प्रोलिफ्रेशन होगा ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो लॉन्ग बोन इन्वॉलमेंट होता है यहाँ पे। एम्प्यूटेशन इज अ प्राइम रिक्वेस्टेंड अगर लॉन्ग बोन होगा तो उसको काट के निकालना पड़ेगा पूरा बोन को ही निकालना पड़ेगा एम्प्यूटेशन करना पड़ेगा ट्रीटेड बाय रेडिकल रिसेक्शन आपको वो जो एरिया है वो रेडिकल रिसेक्शन करना पड़ेगा तब ये ठीक होगा कीमोथेरेपी करना पड़ता है इसके लिए तो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई होप आप समझ गए होंगे अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिए मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए